एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कल्याणी। तो यार, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट शेयर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप DIY से किस तरीके से अपने हेयर को घर पर रिमूव कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप अपने बॉडी से हेयर को रिमूव कैसे कर सकते हो विद लेजर। और साथ ही साथ मैंने आपको वीट की जो कोल्ड वैक्स होती है उससे भी हेयर रिमूविंग के बारे में बताया है। लेकिन गाइस, DIY की बात करें, होम रेमेडीज की बात करें, तो आप लोग कहते हो कि दीदी ये तो वर्क ही नहीं करता। मतलब वर्क करता है लेकिन लेट से वर्क करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो DIYs होती है वो थोड़ी सी लेट वर्क करती है, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन अगर आप DIYs यूज करते हो तो वो आपके स्किन पे साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। अब बात करें रेजर की, तो आप लोगों ने कहा था कि दी रेजर यूज करने से हमारी स्किन ब्लैक पड़ जाती है। अगर आप ये सोचते हो ना कि आप अपने फेस के सरफेस पर रेजर से अपने हेयर को रिमूव करोगे तो आपकी जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर आप अपने स्किन पर रेजर अप्लाई करते हो, रेजर से अपने हेयर को रिमूव करते हो, तो जो आपकी स्किन है वो डार्क नहीं होती है। अब बारी आती है वीट वैक्स की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है गाइस, तो आप जाकर उसे जरूर देख ले। अब बात करते हैं वीट वैक्स। तो वीट वैक्स बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सा DIY वैक्स शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से आप घर पर इस वैक्स को बना सकते हो, और कैसे अप्लाई करना है ये भी बताऊंगी, और किस तरीके से आपको ये वैक्स बनाना है ये भी बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो क्या कर रहे हो, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम ID पॉपअप हो रही हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वैक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी चीनी, और जितना आपने चीनी लिया है उसका आधा चाहिए होगा नींबू का रस, और सेम क्वांटिटी में आपको चाहिए होगा पानी। और वैक्स बनाने के लिए आपको एक पुराना सा बर्तन लेना होगा। तो आप इस पैन में तीनों इंग्रेडिएंट डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी, आधा कटोरी नींबू का रस और आधा ग्लास पानी डाल दिया है। और अब इस पैन को फ्लेम पर रख देना है। मेनली आपको चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। आप जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले उबाल में जो इसका झाग है वो व्हाइट आ रहा है। तो सिंपल से आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए यूं ही चलाते रहना है। और जब आप इसे चलाते रहोगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, और जैसे ही ये कलर में ब्राउन हो जाए आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। तो मैंने भी अपना फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इस वैक्स को स्टॉक करने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा एक स्टील का बर्तन। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील जार ले लिया है, और इस जार में जो मैंने वैक्स बनाकर तैयार किया था उसे रख लिया है। जब भी आपका मन करे अपने फेस को वैक्स करने का, तो आप सिंपल से क्या करना, इस वैक्स को डबल बॉइलिंग प्रोसेस से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना। इसके बाद गाइस, जहाँ पर की स्किन को आप वैक्स करना चाहते हो वहाँ पर आप टालकम पाउडर थोड़ा सा छिड़क लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, और जब आपकी स्किन हार्ड होगी उसके बाद आप इस वैक्स को अप्लाई करोगे तो आपको पेन कम होगा। तो सिंपल से आपको टालकम पाउडर लगाना है स्किन के ऊपर, और ये वैक्स है उसे स्पून की हेल्प से या फिर स्पैचुला की हेल्प से अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद इस पर लगा लीजिए वैक्स ट्रैप, और हेयर ग्रोथ के अपोजिट में इसे रिमूव कर लीजिए। तो गाइज, इस प्रोसेस से आप अपने फेस, बॉडी, अंडर आर्म्स के हेयर बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो आई होप गाइज कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट शेयर कर दिया है जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है। मतलब सुन लो, लाजवाब ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप इसे रेगुलरली अप्लाई करते हो अपनी बॉडी के हेयर को रिमूव करने के लिए, अपने फेस को हेयर को रिमूव करने के लिए, तो गाइज हेयर के साथ साथ आपकी जो स्किन की टोन है वो भी 2 से 3 शेड लाइट हो जाएगी। तो आप इस वैक्स को जरूर करके देखना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय।